Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now activity time. Why activity time? Because today is Saturday. What is the day today? Today is Saturday. And what is the date today? Today is 4. Which month is going on? September month is going on. And which year is going on? 2021 is going on. So now activity time. Okay, bacha. Aaj hum log kya karenge? Apni is activity wali book mein. Ye aapki activity wali book hai na? Is activity wali book mein aaj hum 2 pages karenge. Okay? आज हम करेंगे पेज नंबर 18. कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 18. और 18 पेज में बेटा हमारा क्या टॉपिक है? फाइंड आउट द होम अप्लायंस एंड सर्कल इट. होम अप्लायंसेस का टॉपिक मैंने आपको करवाया था ना आपकी पिक्चर बुक में से, तो ये एक्टिविटी उसी पर बेस्ड है. आपको क्या करना है बेटे, जितनी भी पिक्चर्स हैं यहाँ पर, जितनी भी पिक्चर्स हैं उसमें जो भी चीजें आपके घर पर यूज होती हैं, जो आपकी होम अप्लायंसेस है उसको आपने सर्कल करना है. ओके, जैसे ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर आपकी होम अप्लायंसेस है तो आप इसको सर्कल करोगे. फैन है तो फैन को सर्कल करोगे. बट ये क्या है बेटा, ये क्या है? ये है शिप. तो शिप कभी सर्कल होगा? शिप आपके घर पे आपने कभी देखा है? वो तो सी में चलता है, समुद्र में चलता है ना, तो शिप को सर्कल नहीं करेंगे. इसी तरीके हम सारी चीजों को फाइंड करेंगे और जो चीजें हमारे घर पर यूज होती हैं हमने ओनली उनको ही सर्कल करना है. ओके बेटा, ये तो था हमारा पेज नंबर 18 और आज हमने एक पेज और करना है, पेज नंबर 25, जो कि शेप्स के ऊपर बेस्ड है. ओके बेटा, आपने क्या करना है इसमें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या आना है और आपने सिर्फ ओनली टिक करना है. ओके बेटा, देखो बेटा ये शेप है सर्कल, सर्कल के बाद क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्या है फिर से सर्कल. अब इस सर्कल के बाद कौन सी शेप आएगी? ट्रायंगल आएगी, क्योंकि पहले सर्कल फिर ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल, इस तरह से ये पैटर्न चलेगा. ओके बेटा, तो सर्कल शेप कहाँ है इसमें, ये वाली है या ये वाली है? ये वाली है, तो आपने इसके नीचे टिक करना है. ऐसे ही नेक्स्ट है, ये शेप है बेटा स्क्वेयर और ये है हार्ट, फिर स्क्वेयर, अब फिर क्या आएगा हार्ट, तो आपने हार्ट के नीचे सर्कल करना है. इसी तरीके से आपने ये पूरा पैटर्न फॉलो करना है जो कि आपकी शेप्स के ऊपर बेस्ड है. तो हमने आज करना है पेज नंबर 18, सर्कल द होम अप्लायंसेस, एंड पेज नंबर 25, व्हाट विल बी द नेक्स्ट. ओके बच्चा, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट किड्स. आज हम कर रहे हैं बेटा अपनी एक्टिविटी वाली बुक में पेज नंबर 118. मैंने आपको अभी बताया आपने क्या करना है, फाइंड आउट द होम अप्लायंस एंड सर्कल इट. आपने क्या करना है बेटा, एक एक चीज को फाइंड करना है, देखना है. जैसे कि आपने ये फाइंड किया, ये किसकी पिक्चर है बच्चा? रेफ्रिजरेटर की. तो रेफ्रिजरेटर आप अपने घर पर देखते हो ना, देखते हो ना अपने घर पर फ्रिज रेफ्रिजरेटर, तो ये आपका होम अप्लायंस है. तो आप इसको क्या करोगे, सर्कल कर दोगे. ऐसे आपको बिग सर्कल बनाना है इसके लिए. ओके, तो ये क्या है आपका, आप इसको अपने घर पे देखते हो तो ये होम अप्लायंस है, तो आप इसको सर्कल कर दोगे. नेक्स्ट पिक्चर है बच्चा किसकी, किसकी पिक्चर है ये? फैन की. तो फैन भी आप अपने घर पर देखते हो ना, तो अब आप फैन को भी सर्कल कर दोगे. ओके बेटा, नेक्स्ट पिक्चर देखो किस चीज की है बच्चा, ये है शिप. शिप आप देखते हो बच्चा, देखते हो शिप अपने घर पर? नहीं ना, तो आप इसको सर्कल नहीं करोगे. नेक्स्ट है बच्चा किसकी पिक्चर है ये? बस. बस क्या आप अपने घर पर देखते हो? नहीं ना, कहाँ पर देखते हो? बस तो बस स्टैंड पर देखते हो या रोड के ऊपर चलती हुई देखते हो, आप अपने घर पर तो नहीं देखते ना, तो आप इसको सर्कल नहीं करोगे क्योंकि ये आपके होम अप्लायंसेस में नहीं आता. नेक्स्ट इज ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट मैंने करवाया था ना आपको, ट्यूबलाइट तो सबके घर में होती है, तो आप ट्यूबलाइट को सर्कल कर दोगे. नेक्स्ट है बच्चा मिक्सर ग्राइंडर. मिक्सर ग्राइंडर देखते हो ना सब बच्चे अपने घर पर, होता है ना सबके घर पर, तो आप मिक्सर ग्राइंडर को सर्कल कर दोगे. ओके बेटा, अब नेक्स्ट किसकी पिक्चर है ये? प्लाज्मा. प्लाज्मा होता है ना सबके घर पे, एलसीडी प्लाज्मा एलईडी होता है ना सबके घर में टीवी, तो आप प्लाज्मा को सर्कल कर दोगे. और नेक्स्ट किसकी पिक्चर है ये? एरोप्लेन. एरोप्लेन आपके घर पे होता है? नहीं ना, एरोप्लेन तो स्काई में फ्लाई करता है ना, है ना.
अब सब बच्चों के पास टॉय वाला एरोप्लेन तो होता है ना बेटा, लेकिन वो आपका होम अप्लायंसेस नहीं होता, वो टॉय होता है। और ये क्या है, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर भी आप अपने घर पर नहीं देखते हो, तो आप इसको भी सर्कल नहीं करोगे, ओनली होम अप्लायंसेस को ही आपने सर्कल करना है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में क्या करना है बेटे आपको, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कि नेक्स्ट कौन सी शेप होगी। देखो बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सर्कल शेप है, ये ट्रायंगल शेप है, फिर सर्कल शेप है, अब यहाँ पर कौन सी शेप आएगी, ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल के नीचे ऐसे राइट टिक कर दोगे। ओके, ऐसे ही ये कौन सी शेप है, स्क्वेयर, हार्ट, स्क्वेयर, हार्ट, हार्ट आएगी ना अभी, तो हार्ट शेप पर आप इसको टिक कर दोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल पे सर्कल कर, सॉरी सर्कल नहीं, टिक करोगे। ओके बच्चा, नेक्स्ट है ये डायमंड शेप, मैंने आपको आपकी कलरिंग बुक में करवाई थी ना अभी, डायमंड शेप, और ये है बेटा कोन शेप, फिर से डायमंड शेप, अब कौन सी शेप आएगी, कोन शेप, तो आप कोन के नीचे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्या है बच्चा, हार्ट शेप, ये शेप मैंने आपको नहीं करवाई है, तो आप इसका नेम मत लर्न करो, वैसे इस शेप का नेम है क्रेसेंट शेप, आपको नेम लर्न करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे इसका नाम है क्रेसेंट शेप। ओके, हार्ट, क्रेसेंट, हार्ट, अब फिर क्या आएगा, क्रेसेंट, तो आप इसके नीचे टिक कर दोगे। कितना इजी है ना बच्चे, ये आपने बस ध्यान से देखना है कि कौन सी चीज नेक्स्ट आएगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ओके बेटा, तो आज अपनी एक्टिविटी में आपको 2 पेजेस करने हैं, पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 25। ओके बच्चा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।